सब्जी में हरी मिर्च तो अक्सर पड़ती है, लेकिन इसी हरी मिर्च की चटपटी सब्जी बनाना हो तो क्या करेंगे, तो इसी की रेसिपी मैं लेकर आया हूँ पकवान गली में। नमस्कार, स्वागत है आपका पकवान गली में। मैं हूँ आपका होस्ट ददन भाई। तो आइए शुरू करते हैं हरी मिर्च की चटपटी सब्जी बनाना। तो इसके लिए मैं लूंगा सबसे पहले हरी मिर्च। तो हरी मिर्च को बीच से काट लेंगे और ये कुछ इस तरह से हैं। तो मैंने 100 ग्राम हरी मिर्च ली हैं और आइए आगे करते हैं इसकी तैयारी। तो मिर्ची मैंने काट ली हैं, अब पैन गरम कर रहे हैं और पैन में 2 चम्मच तेल लिया है। तेल डाल दिया है, तेल गरम हो चुका है। इस गरम तेल में थोड़ा सा जीरा डालेंगे। जीरा के बाद जाएगी एक चुटकी से हींग। हींग डाल दी और जीरा को तड़का लेंगे। जीरा तड़कने के बाद हम इसमें अपनी जो कटी हुई मिर्चें हैं, हरी मिर्चें हैं, वो डालेंगे। मिर्च डालने के बाद हम हल्का हल्का इन्हें फ्राई करेंगे। 1 से 2 मिनट लगेगा इन्हें फ्राई होने में। तो हमारी हरी मिर्चें फ्राई हो चुकी हैं, अब बारी है इसमें मसाले डालने की। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया, लाल मिर्च। अगर कम तीखा खाते हैं तो लाल मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। ये मैंने 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च भी डाल दी। सौंफ पाउडर, जो मिर्च की सब्जी का स्वाद बढ़ा देगा, तो 1/2 छोटा चम्मच ये भी डाल दिया मैंने। जाएगा इस पे स्वाद अनुसार नमक और आखिरी में डालेंगे इसमें ये हल्दी। 1/4 छोटा चम्मच हल्दी डाली है मैंने। और सारे मसाले डालने के बाद फिर से हम इसे अच्छी तरह से चलाते हुए पका लेंगे, ताकि जो मसाले हैं वो मिर्च में अच्छी तरह से मिल जाएं। मसाले अगर भुने हैं, पाउडर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ज़्यादा देर तक तेल में भूनने की ज़रूरत नहीं है। 15 से 20 सेकंड में मसाले बढ़िया तरीके से भुन जाते हैं। मसाले रेडी हैं। मिर्च की जो तीखापन है उसे कम करने के लिए मैं इसमें डाल रहा हूँ नींबू। नींबू का रस डाल दिया, 1/2 नींबू डाल दिया है और इसे बढ़िया तरीके से मिला रहा हूँ। ये नींबू का रस मिल गया, बढ़िया हो गया। और अब इस मिर्च की सब्जी को और भी उम्दा स्वाद देने के लिए जाएगी इस पे दही। 100 ग्राम मिर्च लिया है तो इसमें 1 कटोरी दही डाल रहा हूँ मैं। दही डालने के बाद इसे बढ़िया तरीके से मिक्स करेंगे और 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। तो 4 से 5 मिनट तक मिर्च और दही को मिलाकर हमने बढ़िया तरीके से पका लिया है। तो सब्जी तैयार है, इसे आँच से हटा देते हैं और करते हैं इसकी प्लेटिंग। हरी मिर्च की चटपटी सब्जी बनकर तैयार है। आपके पास भी जब कोई ऑप्शन ना हो और मज़ेदार चटपटी सब्जी बनाना हो, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दीजिए और पकवान गली को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन दबा लेंगे तो आपको हमारी वीडियो रेसिपी सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलेगी। तब तक लीजिए ददन भाई का सलाम।